हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये ब्लॉग तीसरा ब्लॉग है, गांव पर बना हुआ है। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा और अंत तक ज़रूर इसे देखेंगे। इस गांव का नाम अलखबनी है, अलखबनी गांव। ये देखिए खेतों में सरसों का साग, कुछ दिनों में ये पीला पीला दिखने को लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस बार ऊख का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। फ्लड के वजह से यहाँ के गांव वालों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा है। ऊख जो मोटा मोटा होना चाहिए था, इस बार सिर्फ पतला पतला ऊख उठा है। तो ये देख रहे हैं ऊख की कटाई हो रही है गांव में, सारे परिवार लगे हुए हैं ऊख काटने के लिए। आसपास पूरे गांव में सरसों का साग लगाया गया है। कुछ दिनों के बाद ये बड़े हो जाएंगे, इसमें से सरसों निकलेंगे, सरसों से तेल निकाला जाएगा। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था किस तरह से सरसों से तेल निकाला जाता है, मस्टर्ड सीड से मस्टर्ड ऑयल किस तरह से निकाला जाएगा वो दिखाया था मैंने। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितना सुकून भरा माहौल है, ये पूरी तरह से शांत, किसी तरह का शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है ये। और ये है ताड़ का पेड़, जिससे लोग ताड़ी निकालते हैं और इससे हैंड फैन भी बनाया जाता है। आप लोगों ने ये पेड़ बाहुबली मूवी में देखा होगा, देखिए। और ये रहा आम का पेड़। पूरी तरह से शांत माहौल, दूर दूर तक आवाज नहीं, इतना सुकून भरा जिंदगी होता होगा यहाँ का। काश हम भी यहीं रुक जाते। मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक दिया गया है, देखते हैं इनके नसीब में छोटी मछली है या बड़ी मछली। यहाँ के नौजवान इसी तरह अपना टाइम पास करते हैं,
ग्रुप बना लेते हैं और मछली पकड़ते हैं। किसी को छोटी मछली मिलती है, किसी को बड़ी मछली मिलती है। लॉकडाउन की वजह से प्रायः जो लोग शहरों में काम करते थे अभी गाँव में आकर रुके हुए हैं और इसी तरह से अपना टाइम पास करते हैं। चलिए देखते हैं इनको मछलियाँ बड़ी मिली या छोटी मिली। तो आज इनके नसीब में छोटी मछलियाँ मिली है, छोटी छोटी मछलियाँ देखिए। ओके, ये रहा छोटी छोटी मछलियाँ। आज का दिन समाप्त हुआ, सूरज ढल रहा है। फिर कल सुबह इसी तरह से नई उमंगों के साथ सूरज की किरणें हमारे लाइफ में फिर से आएगी और चारों तरफ खुशियां बिखरेगी और गांव का जिंदगी इसी तरह से चलता रहेगा। जाते जाते ये देखिए हाथी, यहाँ पर सड़कों पर हाथियां चलती है। ये देखिए कितना बड़ा हाथी, आप सभी ने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। मैं आपको रियल हाथी दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चल चल मेरे हाथी चल। आशा करता हूँ आप सभी को ये मेरा छोटा ब्लॉग पसंद आया होगा।